तो देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं इस पर, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है दिखाते हैं आप। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग, ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं तो ऐसी मान निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के इस रैली से आए वीडियो के बीच अब आरजेडी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। शहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी पर हमला बोला है और ये कहा है कि जिस तरह से गाली दी गई है वो अशोभनीय है। शहनवाज ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो पूरे बिहार के लिए गाली है। आरजेडी के नेता आखिर अब तक इस पूरे वीडियो के बाद चुप क्यों है, ये भी सवाल शहनवाज हुसैन ने पूछा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि दरअसल ये जो वीडियो में गाली दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को नहीं बल्कि पूरे बिहार को गाली दी जा रही है, लेकिन अभी तक आरजेडी के नेता चुप क्यों है। चिराग पासवान जी को लेकर, उनकी मां को लेकर खुलेआम गाली बकी गई है और राजद के नेता तेजस्वी यादव सब देखते रहे, ये किसी ने रोका तक नहीं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कुछ हो सकता। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और उनकी धर्मपत्नी के बारे में, चिराग पासवान जी के मां के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, गाली बोली गई, ये गाली गलौज कभी बिहार का कल्चर और संस्कृति नहीं रही। ये गाली पूरे बिहार को गाली है और इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तार से चिंगारी निकलने से खेत में लगी भीषण आग, आग लगने से 7 बीघा गेहूं जलकर राख। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खेत में लगी भीषण आग, खेत में रखे फाइबर पाइप में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। यूपी के बलिया में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में पलटी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक की पत्नी ने लगाया जहर देने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के दबोह में भालू का 3 लोगों पर हमला, घटना में एक महिला और बच्चा बुरी तरह घायल, भालू ने मवेशियों को भी बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने बिहार के शख्स की हत्या की, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। शख्स की पहचान राजू शाह के रूप में हुई है, पकौड़े की दुकान दरअसल राजू चलाता है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, चुनाव से पहले नक्सलियों की तरफ से हिंसा का शक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने महायज्ञ किया, हनुमत प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रदर्शन। और ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 26 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जब चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। सर, टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से, चुनाव आने ही वाले आपके क्षेत्र में, तो क्या
सर कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या है परेशान आप? वही है वही जो राम रच रहा था, क्या है परेशान? आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में आरोप तय होने थे, लेकिन कोर्ट ने कहा पहले उन अर्जियों का निपटारा किया जाएगा जो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दायर की गई थी और उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। देखना होगा इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक फाइल। तो वो शांत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समर्थक जो हैं गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की ये आपत्ति है कि जब ये गाली गलौज की भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा था, तो तेजस्वी यादव जब मंच पर थे तो उन्होंने विरोध दर्ज नहीं किया, ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चिराग पासवान का आरोप है। वैसे बहरहाल इस वायरल वीडियो का रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि उसमें आवाज़ आ रही है और चिराग पासवान ने इसे ट्वीट किया है वीडियो को, और यहां तक कि आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो चिराग पासवान ने जो आपत्ति दर्ज कराई है उस पर यह बता दें कि चिराग पासवान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, और यहां तक कि एनडीए की महिला जो कार्यकर्ता हैं या नेता है आज निर्वाचन आयोग के पास भी जा रही है शिकायत पत्र लेकर, और बजाबते वकील से एक हलफनामा तैयार किया गया है इस तरह के की भद्दी भद्दी गालियों के बारे में। और वहां से आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं एक महिला ही हैं, तो इस पर और आपत्ति जताया है कि महिलाओं का अपमान किया गया है, उनकी माँ के बारे में अनाप शनाप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक अलग तरह की, चुनाव के एक दिन पहले, जम्मू में कल वोटिंग भी होनी है, एक दिन पहले ये विवाद ने तुल पकड़ा है। अब देखना ये है कि इस विवाद का लाभ किसको मिलता है, क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले इस तरह का बयान काफ़ी मायने रखता है, और ये कल नज़र रहेगी हमारी कि इस बयान पर लोगों का क्या रुख रहता है वहाँ के जमुई के वोटरों का। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, अब देखना यह होगा कि जमुई के लोगों पर इस वीडियो का क्या कुछ असर होता है। दरअसल गाली वाले वीडियो पर अब तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं। तेजस्वी का कहना है कि कई लोग इस तरह से गालियां देते हैं और जब मंच से कोई नीचे कुछ कहता है तो मंच पर सुनाई ही नहीं देता है। कौन दिए? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगर क्यों बनाना है? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना? ऐसे तो कितना लोग हम लोगों को गाली देता है दिन रात। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने के। प्रकाश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने तो ये जनता पर ही डाल दिया है कि जनता में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्मान है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि एक्शन लेंगे। देखिए, जहाँ तक वो वीडियो की बात है, वो बात सही कह रहे हैं कि वीडियो उनके मंच से नहीं बनाया गया, किसी पब्लिक ने ही बनाया है। और जहाँ तक आपत्तिजनक बात की बात है, कोई समर्थक आगे खड़ा है मंच के सामने, तो इसमें किसी राजनेता या तेजस्वी यादव का हाथ हो या ना हो, ये तो जांच की विषय है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कोई सभा चल रही है उसमें किसी के बारे में गाली गलौज हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया भी सतर्क रहती है, तो कोई चाहेगा नहीं।
लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां समर्थक गाली दे रहे थे, ये वीडियो आया है। चिराग पासवान ने आपत्ति दर्ज की है, चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, तो हमने एक चिराग पासवान के हवाले से खबर दिखाने की कोशिश की है, न कि ये रिपब्लिक भारत का वीडियो है, न ही किसी और की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब देखिए कि प्रतिक्रियाएं इस पर किस तरीके से आ रही है। सम्राट चौधरी, हम आपको यह भी यहां पर सुनवाते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है और वो ये कह रही है कि आरजेडी को यह भुगतना होगा। बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल चिराग पासवान को यह गाली नहीं है, सिर्फ ये बिहार को गाली है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, आइए आपको सुनवाते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। तो देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं इस पर, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है दिखाते आप। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं, यही लोग है ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग, ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं, तो ऐसी मान निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के इस रैली से आए वीडियो के बीच अब आरजेडी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। शहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी पर हमला बोला है और ये कहा है कि जिस तरह से गाली दी गई है वो अशोभनीय है। शहनवाज ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो पूरे बिहार के लिए गाली है। आरजेडी के नेता आखिर अब तक इस पूरे वीडियो के बाद चुप क्यों है, ये भी सवाल शहनवाज हुसैन ने पूछा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि दरअसल ये जो वीडियो में गाली दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को नहीं बल्कि पूरे बिहार को गाली दी जा रही है, लेकिन अभी तक आरजेडी के नेता चुप क्यों है। चिराग पासवान जी को लेकर, उनकी मां को लेकर खुलेआम गाली बकी गई है और राजद के नेता तेजस्वी यादव सब देखते रहे, ये किसी ने रोका तक नहीं, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कुछ हो सकता। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और उनकी धर्मपत्नी के बारे में, चिराग पासवान जी के मां के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, गाली बोली गई, ये गाली गलौज कभी बिहार का कल्चर और संस्कृति नहीं रही, ये गाली पूरे बिहार को गाली है और इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तार से चिंगारी निकलने से खेत में लगी भीषण आग, आग लगने से 7 बीघा गेहूं जलकर राख। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खेत में लगी भीषण आग, खेत में रखे फाइबर पाइप में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी।